थाना फतेहगढ़ चूड़िया की हद अंदर पैंदा पिंड चंदूसूजा दी नहरां दा इह पुल वाला रस्ता अज कल इन्ना खौफनाक बन चुका है कि इन्ह नहरां तो पिंड खजाने कोट नूं जाण वाले रस्ते ते हर रात नूं कोई ना कोई लुट खोह की घटना हो रही है। पिछले दिनी पिंड खजाने कोट के वसनीक अवतार सिंह ने दस्सिया कि वह रात नूं अपने पिंड नूं वापस आ रहा सी ते नहर वाले रस्ते ते उसका मोटरसाइकिल रोक के लुटेरियां वल्लों उसका मोबाइल फोन ते नकदी खोह लई गई, जिस दी दरखास्त उसने पुलिस चौकी काला फगाना विच दित्ती है, पर अजे तक कोई भी अपराधी नहीं फड़िया गया। इसे तरह खजाने कोट के रहने वाले पलविंदर सिंह ने दस्या कि वह ग्रंथी सिंह की ड्यूटी करता है ते जद वह ड्यूटी तो वापस अपने पिंड आ रहा सी ते इसे नहरां वाले रस्ते ते लुटेरियां ने उसनू रोक के उस नाल हथोपाई की, उसके रौला पाउण ते उसका बचाव होया, जिसकी दरखास्त उसने पुलिस चौकी काला फगाना विच दित्ती है, पर अजे तक भी कोई अपराधी फड़िया नहीं गया। जद इस मामले में पुलिस चौकी इंचार्ज काला फगाना ASI रशपाल सिंह नाल फोन पर गलबात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं चार्ज हुणे संभालिया है तो इस मामले में कार्रवाई चल रही है तो नहर के पुल से रोज़ रात नूं पुलिस वल्लों नाका लगाया जाता है। सिर्फ एतवार नाका नहीं सी लगाया क्योंकि उस दिन पुलिस नूं छुट्टी हुंदी है। हुण सवाल यह पैदा हुंदा है कि जे लुटेरियां वल्लों जे एतवार नूं ही किसी नाल लुट खोह कर दित्ती गई तो ऐतवार रात नूं लंघन वाले हर राहगीरां दा रब ही राखा है। क्राइम ब्यूरो हरप्रीत सिंह रंधावा की खास रिपोर्ट लाइट ऑफ नेशन न्यूज काला फगाना। बलवीर सिंह जी खजाने कोट, मैं इतो सूर रखे सूर लै के आन डा हाँ, अपना खला जड़िया वह लै के आन डा हाँ, अगे भी डेली आना हाँ, तो उदन मैं सवा घट का टाइम ही एक टाइम ना आन डा, 12-13 दिन हो गए जो वो लै गए आन डा, तो तीन जने मोटरसाइकिल पिछो आया मैं नहीं पता किन्ने जने, मैं देखा कोई पिंड का लागे जागे कोई बंदा होना, मैं राह दिता आ, मैं खब्बे हो गया, वो सज्जे लंघन लगे आ, अगे हो गए ना मैंने रोक लिया आ, रोक के मैनू आद उतरद सारी दो तीन चपेड़ा मार दी, चपेड़ा मार के मोबाइल मेरा जेब च मोबाइल ही J7 वो कढ़ दिया, 1350 रुपया ही मैं बिचे पैसे रखदा, कट के चाबी कट के दूर सुटती आ, चाबी दूर सुट के बाद मैं आंदे भी चाबी इतने सुटती आ, तो नेरा ही मैं ना उधर जोगा, मैनू कितने चाबी लभनी, वो पिंड का एक बंदा ही वह आया, वो आंदा चाचा की कर डया आ, मैं उन्होंने आख्या आह गल हो गई, उन्हें फिर टा मोटरसाइकिल की लाइट जगाई तो उन्हें चाबी लभी, फिर मैं वापस आया। अगले दिन मैं जाके कोई इसे अपना काला फगाना दरखास्त दी आ, हाँ जी अजे कोई बंदा नहीं, अजे नहीं जो कोई मंग उन्होंने फड़ के कार्रवाई की जाए, उन्होंने जो भी उन्होंने हक बनता उन्होंने सजा दी जाए उन्होंने। मेरा नाम पलविंदर सिंह, फादर नेम सिंह सिंह, पिंड दूर जाना, हाँ जी की होया की बात है? मैं अपनी ड्यूटी आ रहा रात में, की काम करते जी? मैं ग्रंथी हाँ जी, हाँ जी ते कितना आ रहे ड्यूटी से? मैं 19 तरीक नु शाम नु इतो 6 बजे तुरिया वा, हाँ जी 6:10 दे जदों मैं इत्थे नहरे आया अपने पिंड लागे, हाँ जी ते मैनू मगरले पासों 3 बंदे पए मोटरसाइकिल दे, हाँ जी उन्होंने जो मैं डकिया नाल ही मेरा मोटरसाइकिल डिग पिया वा, हाँ जी तो मैनू रगड़ा लगिया वा, हाँ जी एक जना नट के मोटरसाइकिल चल गया, उन्होंने मेरी चाबी मोटरसाइकिल की कढ़ ली, हाँ जी दूजे दो मेरे दुआले हो गए पिस्तौल कट के, उन्होंने दोवों को पिस्तौल ही आंदी गोली मार दो, हाँ जी तो मैं गोली मैंने कहते वास्ते मारनी, मैं कोई गुनाह किया, हाँ जी ये तलाशी लो, मैं तलाशी तुम्हें कहते वास्ते देनी, मैं चोर हाँ कोई, मैं अपनी लोई फ्या करके मैं गाड़ियों अपना सरूपा उखा लिया, मैं वेखो मेरे गल सरूपा, मैं गुरुद्वारे का ग्रंथी ने नाम भी बना, मैं मशहूर हाँ, जी अगर तुम बागन लुटना रहना कख नहीं, वो नहीं डरे उन्हें गाड़ियों वार किया, गाड़ियों मैं भी करता वा, उसे रौला रप्पा पिया वा, 5-7 मिनट सारा खेल चलिया, मुड़ के लागे साढ़े डेरे ही उधर ललकारा बज गया, ये नठ गया, फिर बंदे आ गए, ये मुड़ के इन्हें पछा नहीं वेख्या, अगले दिन फिर अहीं गए हैं चौंकी शामा नूं, केरी चौंकी काला फगाना, उथे अहीं लिखा के आए हैं सारी वारदात जो साढ़े नाल होई है, मुड़ के साडे पठे दे कैमरे लगे असीं उहदे विच वी वेख्या वा, जिस तरह साढ़े नाल वारदात होई उसे तरह कैमरा सारी गलबात दसदा, अहीं इहो मंग करदे आ वी इन्हां चोरां नूं फड़िया जाए, हले तक पुलिस ने कोई फड़िया नहीं बंदा, अजे तक नहीं कोई फड़िया, ते साडे इत्थे इसे पिंड च 4-5 वारदातां हो गईआं वा इसे नहर दे, थोड़े चिर जी 9 महीने हो गए। हैलो, हां जी जहन सर, जहन सर ये
ਕੱਲ ਆਪਕਾ ਨਾ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ 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 ਸਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਬੀਰੋ ਜੀ ਫਲਾਈਟ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਖਜਾਨੇ ਕੋਟ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਰਸਤਾ ਚੰਦੂ ਸੂਜੇ ਦੇ ਪੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ 12 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਈ ਨਾ ਫੜਿਓ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਈ ਆ ਕਾਰਜ ਤੇਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ CCTV ਲੱਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪੱਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਾਰਦਾਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਵਰਤਿਆ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟਰੇਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਟਰੇਸ ਹੋਇਆ ਨੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਾਰ ਡਿਟੇਲ ਪਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਜੀਏ LON ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਕੋ ਔਰ ਦਬਾਈਏ ਬੈਲ ਆਇਕਨ ਕੋ ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਨੇ ਕੇ ਲੀਏ।